जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी जेएनयू देशद्रोह केस में चार्जशीट दाखिल करने पर सवाल उठाए हैं और लगातार महबूबा मुफ्ती जिस तरीके से टुकड़े टुकड़े गैंग के लिए अपना प्यार और मोहब्बत दिखाती है वो बहुत शर्मनाक है और एक बार फिर से इसी चार्जशीट पर सवाल। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने जेएनयू मामले में दाखिल चार्जशीट को राजनीति से प्रेरित बताया। महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया कि बीजेपी कन्हैया उमर खालिद और कश्मीरी युवकों को वोट के लिए मोहरा बना रही है। तो कन्हैया है, उमर खालिद है, उसके अलावा जम्मू कश्मीर के कोई 7-8 स्टूडेंट है जिनके खिलाफ चार्जशीट हुआ किया गया है जो बिल्कुल गलत है। ऐसा महसूस हो रहा है कि 2019 के इलेक्शन की तैयारी में जम्मू कश्मीर के लोगों को फिर से मोहरा बनाया जा रहा है, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है वोट की राजनीति। महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ चल रहे सेना के अभियान पर भी सवाल उठाए। महबूबा ने कहा कि 1996 से पीडीपी का रुख साफ है कि आतंकी भी हमारे ही बच्चे हैं, वो हमारी पूंजी है, इसलिए हमारी कोशिशें उन्हें बचाने की होनी चाहिए। और अब हम आपको 1200 पन्नों की चार्जशीट और स्पेशल सेल की पूरी जांच की इनसाइड स्टोरी भी बताते हैं। आपको ये भी पता चलेगा कि कैसे कन्हैया के तार कश्मीर तक जुड़े थे। दरअसल जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने वाले 7 कश्मीरी छात्रों तक पहुंचने में स्पेशल सेल को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। जब नारे लगाए जा रहे थे तो कुछ कश्मीरी छात्रों ने अपने चेहरे ढके हुए थे। जांच में जब देखा कि नारे लगाने वाले जेएनयू के छात्र नहीं हैं, तो अनिर्बान और उमर खालिद की कॉल डिटेल्स खंगाली गई। इन दोनों की बातचीत कश्मीरी छात्रों से हो रही थी और पूछताछ में भी अनिर्बान और उमर खालिद ने बताया कि उनके कश्मीरी जानकार छात्र 9 फरवरी को जेएनयू में आयोजित इस प्रोग्राम में पहुंचे थे, जिसके बाद स्पेशल सेल की एक टीम करीब 1.5 महीने तक कश्मीर में रही, इन 7 कश्मीरी छात्रों के घरों पर गई, लेकिन ये सब घर पर नहीं मिले। घर वालों को नोटिस दिया और सभी को जांच में सहयोग करने के लिए दिल्ली बुलाया गया। इनके बयान दिल्ली में स्पेशल सेल के ऑफिस में ही हुए थे। और दिखाते हैं अब आपको कि आरएसएस ने क्या कहा है देशद्रोह के नारे लगाने वाले टुकड़े टुकड़े इस गैंग पर। हिंदुस्तानियों को क्या लाहौर में और कराची में हिंदुस्तान का झंडा लहराना और जिंदाबाद बोलने की इजाज़त दी जाएगी? अगर नहीं तो फिर जो हिंदुस्तान में पाकिस्तान झंडा लहराते और जिंदाबाद बोलते हैं, क्या इमरान उनकी आलोचना करते हुए कठोर सजा की वकालत करेंगे? आज पाकिस्तान पाकिस्तानियों का ही दुश्मन बना हुआ है। बलूच है, सिंधी है और पख्तून है, मुहाजिर हैं, गुलाम कश्मीरी हैं, गिलगित है, बाल्टिस्तानी हैं, ये सब पाकिस्तानी हैं। आज इन पर दिन रात वो फायरिंग करता है, पाकिस्तानियों का कत्लेआम करता है।